राम राम जी, कैसे हैं आप सब? सर हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए। सर आज हम क्या करने वाले हैं? यार आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा जो इंस्पेक्शंस एंड ऑडिट्स वाला, सॉरी ऑडिट वाला जो कंसेप्ट है हमारा आज वो रहेगा, ठीक है, असेसमेंट एंड ऑडिट्स। तो इसको आज हम करेंगे। तो डियर इसको करने से पहले मैं आपको बता दूँ इस कंसेप्ट को मैंने कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। इस कंसेप्ट को मैं सीधा का सीधा, इसके मैंने सेपरेट नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि इसका रीज़न ये था डियर, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो लास्ट में इसमें फास्ट ट्रैक रिवीजन दे रखी है इस चैप्टर की, खास तौर पे बहुत अच्छी है। तो बेसिकली शायद एक या दो चैप्टर ऐसे होंगे जो मैं इंस्टीट्यूट की ही फास्ट ट्रैक समरी से पढ़ाऊंगा। जैसे एक तो ये हो गया और एक शायद रिटर्न वाला टॉपिक हो गया, ये दो टॉपिक। क्योंकि डियर रिटर्न वाले टॉपिक को तो इसलिए करवाऊंगा क्योंकि रिटर्न वाले टॉपिक में उसको वहाँ से पढ़ाने का रीज़न ही है डियर, क्योंकि मेन अगर चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछ रखी है जो कि इरिलेवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे नहीं लगता कि आपसे पूछी जाएगी फॉर्म्स वगैरह, कौन से फॉर्म्स वगैरह की डिटेल, आई थिंक मुझे नहीं लगता। अगर वो पूछेगा तो फिर तो एग्जामिनर के ऊपर है कि भाई एग्जामिनर पूछता है तो उस केस में आप जाइए फिर 100+ पेज हैं उसको बैठ के पढ़िए। तो मुझे उसकी इतनी रिलेवेंस नहीं लगती है क्योंकि रिटर्न वाले टॉपिक में इस टाइप से क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है, ठीक है। दूसरी चीज़ डियर, इस चैप्टर में अगर आप बात करेंगे ये और जो मैं अभी हाल फिलहाल में जितने भी चैप्टर करा रहा हूँ डियर, ये सारे के सारे प्रोसीजरल चैप्टर है, ठीक है। इसमें सिर्फ फैक्ट्स को कंसिडर किया जाता है, इसमें कोई लॉजिकल चीज़ें नहीं निकल के आती। इसमें जो चीज़ पहले से ही क्लियर है उसी को ही हमें एक्सप्लेन करना होता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात कि ये चैप्टर खासतौर पर जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डियर, जब इनमें कुछ केस लॉ आते हैं या कुछ अलग सी चीज़ें बनती है, तब वहाँ पर इन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस जो है बढ़ जाती है, ठीक है। ठीक सर, तो यानी इस चैप्टर को डियर हम जो लास्ट में इंस्टीट्यूट की समरी है फास्ट ट्रैक समरी उससे कर रहे हैं। किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं सर अभी मन सा नहीं भरा सर, मतलब अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा और होना चाहिए, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है जिनको लग रहा है उनसे भी ऐसा कि नहीं सर कम है, और जिनको नहीं भी लग रहा जो सेटिस्फाइड है नहीं सर इतने से भी हो जाएगा हमारा काम, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एक बार आप ये करना अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। जब मैं ये करा दूँ एक बार इंस्टीट्यूट का ही PDF डाउनलोड करके 13-14 पेज हैं उसको स्टडी कर लेना, उसमें देख लेना कि सर कितना पार्ट आपका लग रहा है जो आपको बच रहा है। अगर आपको लगता है कि सर ये चीज़ रह गई है तो उसको सेल्फ नोट करके, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक सर, तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि सर असेसी जो है वो टैक्स कैसे पे करता है, अगर असेसी जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो सर वो टैक्स कैसे पे करेगा। डियर देखिए असेसी दो तरीके से टैक्स पे करता है। एक तो मान लीजिए मैं टैक्स असेसी से पूछे भाई असेसी तुम्हें टैक्स पे करना है, तो असेसी बोला हाँ कर देंगे टैक्स पे। असेसी बेटा करे लाओ देखो जी मेरा टैक्स रेट ये आ गया, वैल्यू ये आ गई, सब कुछ इसने निकाल लिया, बोले जी ये सब निकालने के बाद मेरा टैक्स इतना बन गया। तो इसको बोला गया भाई असेसी ने अपने टैक्स को सेल्फ इवेल्युएट कर लिया, यानी सेल्फ असेसमेंट कर लिया। उसको सारा पता था भाई रेट क्या है वैल्यू क्या है, उसने उससे मल्टीप्लाई वगैरह करके अपना टैक्स निकाल लिया। ठीक सर, इतना पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब असेसी डियर जब अपना टैक्स निकालने बैठा तो उसको कंफ्यूज हो रहा, सर उनको समझ में नहीं आ रहा सर मेरा रेट किस में आएगा, सर सर बिल्कुल से नहीं क्लियर हो पा रहा। बहुत से गुड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमको नहीं पता चलता क्योंकि उसमें थोड़ी सी प्रोसेसिंग करने के बाद उसका जो सेटा उसके क्या कहते हैं हमारा क्लासिफिकेशन के अंदर उस दूसरे HSN कोड उसके दूसरे हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है उसका रेट्स प्रॉपर रेट आइडेंटिफाई करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। या सर हमको वैल्यू नहीं निकल पा रही है, सर हमने वैल्यूएशन रूल निकाले पर हमें सर अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सर एग्जैक्ट किस वैल्यूएशन रूल से हम इसको निकालेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं अब आपको समझ में आ रहा है कि सर क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो डियर अब यहाँ से करना क्या है, अब दो तरह की असेसमेंट होगी, या तो असेसी कर पाया। तो डियर अगर हम इसको देखें ये जो ब्लू पोर्शन है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ए रजिस्टर्ड पर्सन में असेस हिज टैक्स लायबिलिटी इन टू डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस वारंटिंग सच एन असेसमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले डियर उसने खुद असेसमेंट किया, यानी सेल्फ असेसमेंट इन ऑल अदर केसेस, और दूसरे केस में डियर उससे असेसमेंट ही नहीं हो पाई तो क्या होगा डियर, प्रोविजनल असेसमेंट। तो प्रोविजनल असेसमेंट में क्या कहता है, वेयर द टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल टू डिटरमाइन वैल्यू और रेट ऑफ टैक्स अप्लीकेबल टू द गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू बी सप्लाइड बाय हिम, ठीक है। ठीक सर, ये तो समझ में आ गया सर, प्रोविजनल के बेस में उसको रेट या वैल्यू उससे नहीं निकल रही थी तो उसने प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे कर दिया। तो सर अब करना क्या होगा, कुछ नहीं डियर, अब ये टैक्स नहीं पे कर पा रहा तो इसको इंटीमेट करना पड़ेगा।
इंटीमेट करने के बाद जो है वो वहाँ पर उनको बोलेंगे कि ठीक है जी, आप जो है प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे कर दीजिए, प्लस वो कुछ बॉन्ड्स वगैरह इनसे रखवा लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कल को प्रोविजनल हम तभी हमें करते हैं क्योंकि जब हमें डाउट होता है कि हमारा रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, हमें पता नहीं होता कि वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी के लिए डियर आपसे बॉन्ड वगैरह भी रखवा लेती है। तो देखिए क्या कहता है, फॉर दिस टैक्सेबल पर्सन शेल फर्निश एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज रिक्वेस्ट द प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर कॉलिंग फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट इफ रिक्वायर्ड इशू एन ऑर्डर ऑफ इंडिकेटिंग देयर इन वैल्यू ऑफ द रेट और बोथ ऑन द बेसिस ऑफ विच द असेसमेंट इज टू बी अलाउड ऑन ए प्रोविजनल बेसिस और अमाउंट फॉर विच द बॉन्ड इज टू बी इरेक्टेड एंड सिक्योरिटी इज टू बी फर्निश्ड। ठीक है, ठीक सर, ये तो हो गया सर कि भाई असेसी जो है असेसमेंट किस किस तरह से कर सकता है अपनी। अब वो सर कि डिपार्टमेंट अब आपकी असेसमेंट कैसे करेगा, ये तो असेसी ने खुद को टैक्स पे कर टैक्स कैसे निकाला था वो हुआ, वाला पार्ट वहां पर खत्म हुआ। अब ये पार्ट ये बताता है कि सर डिपार्टमेंट जो है वो आपका जो है असेसमेंट कैसे कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले तीन तरह से इसको समझना है। सबसे पहले आपकी होती है सिक्योरिटी असेसमेंट, उसके बाद होती है सर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, और तीसरे होती है समरी असेसमेंट। जो स्क्रूटनी असेसमेंट होती है डियर, स्क्रूटनी असेसमेंट अगर आप इनकम टैक्स लॉ पढ़ के बैठे तो इनकम टैक्स लॉ में आपको भी पता है कि भाई पूरे डाटा में से 3-5% का जो डाटा है वो रेंडमली सेलेक्ट किया जाता है कि हाँ भाई इस पूरे डाटा में से इतने डाटा को हम अपनी स्क्रूटनी में लेके आ रहे हैं। मतलब सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ डियर कि यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर को असेसी पे कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे असेसी पे डाउट है तभी उसने केस उसका स्क्रूटनी असेसमेंट में लगाया। कल को आपके पास कोई स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस आता है ना तो आप घबराइएगा मत, उसका मतलब ये होता है कि इसमें सॉफ्टवेयर ने आपके केस को सेलेक्ट किया है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि रेंडमली वो क्या अपनी आपने रिटर्न फाइल करी, रिटर्न फाइल करने के बाद सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल करने के बाद सॉफ्टवेयर खुद आपके केस को सेलेक्ट करता है, देन उस फिर उसके बाद जो आपको जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह जो अभी एओ वगैरह मांगेगा वो आपको देने पड़ते हैं, वो सेटिस्फाइड उसको करना पड़ता है। दूसरा आता है सर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में सर ये है कि भाई आपने रिटर्न ही नहीं फाइल करी, ठीक है, उस केस में आप डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चल रहा कि सर आपके टैक्स पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, या क्या उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, या फिर आप अनरजिस्टर्ड बन के बैठे जबकि आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए था, यानी आप टैक्स पे करने के लायबल हैं फिर भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, तो उस केस में क्या होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके जो केस को फिनिश किया जाता है। और तीसरा आता है समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट को डियर मैं मानूंगा कि ये मेन असेसमेंट होती है आपकी, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट को बिलीव होता है कि भाई उसके पास प्रॉपर एविडेंसेस होते हैं कि भाई सामने वाले बंदे ने टैक्स इवेट किया है। मतलब वो कहते हैं कि भैया हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है इन सब चीज़ों के कि भाई सामने वाले पर्सन जो है वो टैक्स को इवेट कर रहा है सर। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा डियर, अब यहां पर देखिए अब तीनों को हम पढ़ते आराम से तसल्ली से। कहता देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट विच मे बी कंडक्टेड बाय टैक्स अथॉरिटी, ठीक है, स्क्रूटनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और समरी असेसमेंट। ठीक है, ठीक सर, तो स्क्रूटनी असेसमेंट में क्या बोला, टू मेक द असेसमेंट ऑन सिलेक्शन बेसिस ऑफ टैक्सेबल पर्सन हु हैव फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 39। और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में क्या बोलता है डियर, टू मेक द असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 मंथली और क्वार्टरली और अंडर सेक्शन 45 यानी फाइनल रिटर्न, ठीक है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। इस केस में आपका जो होगा डियर वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाएगा। और समरी असेसमेंट में क्या कहता है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू वेन द प्रॉपर ऑफिसर हैज एविडेंस दैट ए टैक्सेबल पर्सन हैज इनकर्ड ए लायबिलिटी टू पे टैक्स अंडर द एक्ट एंड द प्रॉपर ऑफिसर हैज सफिशिएंट ग्राउंड्स टू बिलीव दैट डिले इन पासिंग एन असेसमेंट ऑर्डर मे एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रिवेन्यू। ठीक है, ठीक सर, सर आगे क्या पढ़ेंगे डियर, आगे ये पढ़ेंगे गुच्छा। सर गुच्छा क्या सर, ये गुच्छा कुछ नहीं है, आगे जितने भी असेसमेंट्स हैं सब जो है एक तरफ कर दी गई है, मतलब सारा असेसमेंट एक तरफ कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले डियर आप सबको एकत्रित कर दिया गया है, जहाँ जहाँ इसमें क्या बस थोड़ा सा उसको और इलेबोरेट करके उसमें एक दो चीज़ें टाइम पीरियड वगैरह जोड़ के बता दिया गया भाई, ठीक है आप और समझ जाइए, बाकी कंसेप्ट सबका सेम है। तो सबसे पहले डियर हमने क्या पढ़ा था, सेल्फ असेसमेंट,
देखिए सेल्फ असेसमेंट में क्या कहता है, कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल हिमसेल्फ असेस टैक्स लाइबिलिटी एंड फर्निश्ड ए रिटर्न। बिल्कुल सिंपल है सर। उसके बाद डियर प्रोविजनल असेसमेंट की भी बात की थी, और प्रोविजनल असेसमेंट में क्या कहता है, पर्सन लाइबल टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई और रेट ऑफ टैक्स। उसके बाद क्या कहता है, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड ऑन ए रिक्वेस्ट मेड। ठीक है, ठीक सर, वो थोड़ा सा कम विजिबल हो रहा है इसलिए मुझे अपने सेलफोन में देख के थोड़ा सा आपको बताना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा आवाज़ ब्रेक हो रही है बीच बीच में। और फिर क्या कहता है डियर, फाइनल असेसमेंट में क्या होता है डियर, फाइनल असेसमेंट में ये कहता है कि टाइम 6 मंथ का होता है, टाइम 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, और एक्सटेंशन कितना डियर है, 6 मंथ फ्रॉम जॉइंट एडिशनल और 4 ईयर बाय कमिश्नर। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर प्रोविजनल बेसिस पे आपने टैक्स पे करा है और आपका मान लीजिए कल को शॉर्टफॉल आता है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर आपका मान लीजिए एक्सेस आ गया तो आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, ठीक सर। तो नेक्स्ट क्या डियर, नेक्स्ट है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्या डियर, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न में क्या कहता है, इन ऑर्डर टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ रिटर्न द प्रॉपर ऑफिसर में एग्जामिन रिटर्न एंड सीक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इस पॉइंट में ये कहता है डियर कि भैया इन ऑर्डर टू वेरीफाई, वही भैया स्क्रूटनी रिटर्न के अंदर भैया मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर ही केस उठाए जाएंगे। ठीक है, आप रिटर्न फाइल करिए उसके बाद पर्टिकुलर केस उठाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते डियर, अब मैं इस पे आपको हाईलाइट करता हूँ, नहीं आएगा क्योंकि मैं अपने सेलफोन में से पढ़ के बता रहा हूँ आपको, तो सीधा आप अपने पास नोट्स रखिएगा और सीधे पढ़िएगा इसको। ठीक है, अब कहता है इफ एक्सप्लेनेशन ऑफर इज एडिक्वेट तो नो फर्दर एक्शन। ठीक है सर, अगर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी, अगर आपकी एक्सप्लेनेशन एडवोकेट है तो फिर आपको कोई फर्दर एक्शन आपके ऊपर नहीं होगा। इफ नो एडवोकेट एक्सप्लेनेशन ऑफर और नो करेक्टिव मेजर्स तो प्रॉपर एक्शन आपके ऊपर लिए जाएंगे। ठीक है, ये प्रॉपर एक्शन जो भी लिखे हुए ना अतरंगे से सेक्शन ही हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। अगर अभी आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे तो उस केस में इफ रिटर्न इज नॉट फर्निश इवन आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 46। अगर जी आपका 46 का नोटिस आ गया उसके बाद भी अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो प्रॉपर ऑफिसर शैल असेस द लायबिलिटी ऑफ टैक्स विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 फॉर फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। ठीक है, ठीक सर। और फिर कहता है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन तो प्रॉपर ऑफिसर टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट मे इशू एन असेसमेंट ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 ऑफ द फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। और लास्ट में क्या बोला डियर, स्क्रूटनी असेसमेंट इन अ सर्टन स्पेशल केसेस। स्क्रूटनी असेसमेंट मैंने आपको बोला ये मेन असेसमेंट होती है, तो इसमें कह रहा डियर प्रॉपर ऑफिसर में इशू एन असेसमेंट ऑर्डर इम्पोजिंग टैक्स लाइबिलिटी ऑन अ पर्सन बेस्ड ऑन एनी एविडेंस शोइंग ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इफ पर्सन टू हूम लाइबिलिटी परटेन इज नॉट अनसर्टेनेबल द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ गुड्स शैल बी असेस्ड इफ ऑर्डर इज इरोनियस प्रॉपर ऑफिसर में विदड्रॉ सच ऑर्डर एंड फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन इन सेक्शन 73 और 74। ठीक है, ठीक सर। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इस पे आइए, ये कहता है डियर ऑडिट। ऑडिट दो तरीके से हो सकती है, एक तो ऑडिट हो बाद बाय डिपार्टमेंटल, ठीक है, और एक स्पेशल ऑडिट। सर इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए डिपार्टमेंटल ऑडिट में क्या होता है, डिपार्टमेंटल ऑडिट में डिपार्टमेंट आपका रेगुलर बेसिस पे जिस तरह से होता है उस हिसाब से वो आपका ऑडिट करता रहता है। ठीक है, पर स्पेशल ऑडिट में क्या होता है डियर, मान लीजिए कोई भी आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है या कोई भी डिपार्टमेंट है आप पे ऑडिट कर रहा है और डिपार्टमेंट कुछ भी ऐसा आपका सारा चेकिंग वगैरह कर रहा है और ड्यूरिंग द चेकिंग डिपार्टमेंट को लगता है नहीं सर इस पर्टिकुलर केस में मुझे एक अलग से ऑडिट करवाने की जरूरत है, यहाँ पर मुझे ज़्यादा झोल लग रहा है या यहाँ पर मुझे डाउट है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में डिपार्टमेंट जो है CA या CWA को अपॉइंट करके स्पेशल ऑडिट करवा लेता है। ठीक है, ठीक सर। यानी ऑडिट बाय टैक्स मतलब वहाँ डिपार्टमेंट ऑडिट करता है। ठीक है, स्पेशल ऑडिट में जो डी है उन्हें जहाँ जहाँ सर्कमस्टांसेस लगते हैं तो उस केस में वो जो है स्पेशल ऑडिट करवा सकता है। सर स्पेशल ऑडिट क्या किसी पर्टिकुलर केस का होगा कि सबका हो सकता है डीयर, वो डिपेंड करता है। अगर चाहें तो एक किसी पर्टिकुलर जैसे मान लो सेल्स का ही स्पेशल ऑडिट करवा दिया तो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर सेगमेंट का ही स्पेशल ऑडिट हो जाए या होल ऑफ द सेगमेंट का भी स्पेशल ऑडिट करवाया जा सकता है। ठीक है, ठीक सर। तो क्या कहता है
देखते हैं, ऑडिट, ऑडिट बाय टैक्स और स्पेशल ऑडिट। तो कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथोराइज बाय हिम मे अंडरटेक ऑडिट ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन। ऑडिट मे बी कंडक्टेड एट द प्लेस ऑफ बिजनेस और इन देयर ऑफिस। एटलीस्ट 15 डेज प्रायर नोटिस शुड बी गिवन। टाइम पीरियड 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑडिट। एक्सटेंशन नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। ऑन कंक्लूजन रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म अबाउट फाइंडिंग्स, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एंड इफ द रिजल्ट इज डिमांड ऑफ टैक्स शैल बी रिकवर अंडर सेक्शन 73 और 74। ठीक है सर। और कहता है स्पेशल ऑडिट एट एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी इन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। असिस्ट कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द वैल्यू हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर और द क्रेडिट अवेलेबल इज नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट्स। तो मे नॉमिनेट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट। टाइम पीरियड 90 डेज का होता है डियर। एक्सटेंशन जो है फर्दर 90 डेज का। ऑडिट विल बी कंडक्टेड इवन इफ अकाउंट्स हैव ऑलरेडी बीन ऑडिटेड। ठीक है सर। इफ रिटर्न्स इज डिमांड ऑफ इफ रिजल्ट इज इन डिमांड ऑफ टैक्स और शैल बी रिकवर्ड अंडर सेक्शन 73 और 74। ठीक है। ठीक सर। तो इस क्लास के जो नोट्स रहेंगे डियर वो आप सीधा ICAI की वेबसाइट पे जाके चैप्टर नंबर 17 को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। यानी लिंक के अंदर आपको इस क्लास के नोट्स नहीं मिलेंगे। और फिर बोलूँगा ये चैप्टर मैंने आपको समराइज वे में बता दिया डियर, और समराइज वे मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। बट फिर भी आप एक काम जरूर कीजिएगा, एक बार जो 13-14 पेज बाकी हैं उसको पढ़ के फिर ये पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने आपकी क्लास में समराइज कर लिया, पहले आप इसको समराइज तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद जाइए उसको 13-14 पेजेस को और पढ़ लीजिए। ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें सेम ही लगेंगी। एक आधा पॉइंट अगर आपको कुछ नया लगता है तो उसको अपने साथ लिख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।